नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकिंग फूड में। आज की रेसिपी थोड़ी मीठी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं गन्ने के जूस से चावल की खीर बनाने वाली हूँ। तो चावल की खीर गन्ने के जूस से कैसी बनाई जाती है वो आप सोच रहे होंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। और वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को, गाइस जो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ सके और हमारी सारे वीडियो देख सके। तो गाइस, अब हम चलते हैं किचन में चावल की खीर बनाने के लिए, जो गन्ने के जूस से बनने वाली है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कि गन्ने के जूस की चावल की खीर के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिए हुए हैं। मेरे चावल छोटे छोटे हैं, आप कोई भी ब्रांड के चावल ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 लीटर गन्ने का जूस लिया हुआ है और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं। तो गाइस, ड्राई फ्रूट में मैंने गरी ली हुई है, 10-12 मैंने काजू लिए हुए हैं और थोड़ा सा किशमिश लिया हुआ है, 10-12 मैंने बादाम लिए हुए हैं, थोड़ी चिरौंजी ली हुई है जो लगभग 1 चम्मच के बराबर होगा, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ली हुई है। अब चलते हम गैस की तरफ। देखिए गाइस, मैंने गैस को जला लिया है और इस पे अब मैं हांडी रख देती हूँ। जो मैंने गन्ने का जूस लिया था वो हांडी में डाल देती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने हांडी में गन्ने का जूस डाल दिया है। अब हम इसको गर्म होने देते हैं। जो मैंने 2 गिलास चावल लिए हुए थे तो उसको हम अब धोलाते हैं, अच्छे तरीके से इसको धो लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने यहाँ चावल धो लिए हुए हैं, अच्छी तरीके से मैंने इनको धोए हुए हैं चावल। अब हमारा गन्ने का जूस भी लगभग गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें हांडी में चावल डाल देते हैं। देखिए गाइस, यहाँ मैं चावल डाल रही हूँ। देखिए गाइस, मैंने चावल इसमें हांडी में डाल दिए हुए हैं। जब तक ये चावल थोड़ा पकते हैं, हम ड्राई फ्रूट रहे हैं उनको काट लेते हैं। और देखिए गाइस, यहाँ मैं काली मिर्च को कूट रही हूँ। देखिए, मैंने काली मिर्च कूट ली है। देखिए गाइस, हमारे जो चावल हैं उसमें उफान आ रहा है। देखिए, हमारा जो चावल है उसमें उफान आने लगा है। यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूटों को काट लिया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। अब हम इनको, देखिए यहाँ मैंने जो खीर है वो आधी पक चुकी है। अब आधी पकने पे हम ये सारे ड्राई फ्रूट चावल की खीर में डालेंगे। एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ मैंने। देखिए गाइस, सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब हम इसको एक बार चला के देखते हैं। देखिए, हमारी खीर लगभग पक चुकी है। अभी हम इसको 4-5 मिनट और पकने देते हैं, क्योंकि हमारी खीर को थोड़ा और थिक होना है। देखिए, अभी थोड़ा 4-5 मिनट और इसको पकने देंगे। तो गाइस, हमारी खीर लगभग पक चुकी है। देखिए गाइस, यह हमारी खीर पक के तैयार हो चुकी है, हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। तो गाइस, अब हम इसको कटोरी में सर्व करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने कटोरी में सर्व कर ली है और हम इसको ड्राई फ्रूट से सजा लेते हैं। गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे गन्ने के जूस की चावल वाली खीर कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।